Good morning class, how are you all? I hope everyone will be fine and safe in your home. So today I will start my lecture from the topic revaluation of assets and reassessment of liability from the chapter retirement and death of a partner. In this lecture I will explain a numerical question regarding this type of adjustment. For this I'll take a numerical question from your book. This is a numerical question, balance sheet of A, B and C, sharing profit and losses in the ratio of this on 31st March 2008. This is the balance sheet and these are the adjustments. B retired from the firm on 1st April 2018. A and C decided to share future profit and losses in the ratio of 3:1 respectively. Following adjustments are agreed. Ye adjustment hai. B retire हो रहा है फॉर्म से और ए सी ने डिसाइड किया फ्यूचर में ये रेशियो से आप प्रॉफिट रिसीव करेंगे या डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है. आफ्टर दैट टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिवेल्युएशन अकाउंट. सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद अबव एडजस्टमेंट इस जो भी इफेक्ट्स हैं इन एडजस्टमेंट को उसको आपको एक जनरल एंट्री के थ्रू शो करना है और उसके बाद आपको एक रिवेल्युएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो चलिए अब रिवेल्युएशन अकाउंट क्योंकि प्रिपेयर करना है हमें, तो हमें करना क्या है. सबसे पहली चीज तो हम फर्स्ट एंट्री लेके चलते हैं, अमाउंट ऑफ 1100 इंक्लूडेड इन डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज इट्स नो लॉन्गर रिसीवेबल. डेटर्स में एक 1100 रुपए की ऐसी अमाउंट इंक्लूड है जिसको जो कि राइट ऑफ करना है क्योंकि वो अब हमें रिसीव नहीं होंगे. ठीक है, तो पहले चीज तो ये है कि जब भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तो आपको वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, वर्किंग नोट्स में आपको डेटर्स 16,000 के हैं, प्रोविजन 800 का और बैड डेट्स जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में है वो कितना है 1100. ठीक है, तो इस 1100 को आपको कैसे एडजस्ट करना है. 1100 पहली चीज तो ये है कि डेटर्स 16,000 के हैं तो प्रोविजन क्या होता है, जैसे आपने 11 क्लास में भी रीड किया था कि फ्यूचर कंटीजेंसी या फ्यूचर में कोई ऐसा डेटर्स ना क्रिएट हो जो पेमेंट ना करे, तो यहाँ पे वही कंडीशन आ गई है. हमने हमारे 16,000 में से 1100 के ऐसे डेटर्स आ गए हैं जो पेमेंट नहीं करेंगे. उस चीज से बचने के लिए हमने पहले ही एक प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर जो कि कितने का है 800 का. ठीक है, प्रोविजन मीन्स जैसे आप घर में भी क्या होता है, हमारे पास अगर पैसे आते हैं कुछ तो हम थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें से उस रिजर्व से या उस प्रोविजन से कुछ पैसा निकालें. उसी तरह फॉर्म में भी क्या होता है, हम कुछ प्रोविजन डेटर्स के लिए क्रिएट करके रखते हैं ताकि अगर कोई डेटर ऐसा हो जो पेमेंट ना करे तो हम उस पैसे को उस प्रोविजन से निकाल लें. अब यहाँ पे आ गई है लाइबिलिटी 1100 की बैड डेट्स की, क्योंकि हमने 800 ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए थे और कंटीजेंसी आई है 1100 की. तो मैं अगर यहाँ पे बोल दें बैड डेट्स कितने हैं हमारे 1100 के और प्रोविजन हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ 800, मीन्स हमें अब सिर्फ 300 के ऐसे डेटर हैं जो नहीं पे करेंगे या बैड डेट्स हम मान के चलेंगे. टोटल बैड डेट्स तो 1100 के ही हैं क्योंकि प्रोविजन भी क्रिएट किया हुआ था हमने, इस वजह से बैड डेट्स की अमाउंट थोड़ी सी कम हो गई है. ठीक है, तो आपको मैं रफली एक एंट्री बता रही हूँ कि बैड डेट्स की एंट्री करनी कैसे है. आपको क्या करना है, फर्स्ट एंट्री से रिलेटेड जैसे हम करते थे अपने 11th क्लास में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. अब डेटर का नाम तो नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ डेटर ही लिख रहे हैं. ठीक है, अकाउंट कितनी अमाउंट से 11 है, टोटल तो हमें 1100 के ही हुए, ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री होगी बैड डेट्स रिलेटेड. ठीक है, 1100 के हमारे बैड डेट्स हो गए, बट क्योंकि रिवेल्युएशन में एंट्री करनी है क्योंकि रिवेल्युएशन अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करनी है, तो अब दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं हमारे 300 के बैड डेट्स हुए हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, क्योंकि जो बैड डेट्स है ये 300 का फर्म को लॉस हो रहा है क्योंकि ये ऐसे डेटर हैं जो पेमेंट नहीं करेंगे. 800 तो हमने किसी ना किसी तरीके से प्रोविजन जो बना हुआ था उससे निकाल लिया, लेकिन अभी भी बैलेंस है ना, तो आपको दूसरी एंट्री क्या करनी है. सबसे पहली चीज रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेट रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा क्या था हमारा प्रोविजन। तो आपको दूसरी चीज क्या लिखनी है यहाँ पे, प्रोविजन अकाउंट टू, और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी आपकी बैड डेट्स। अब टोटल बैड डेट्स कितने थे हमारे 1100 के, प्रोविजन कितने का था 800 का। अब 1100 में से 800 माइनस की बैड रिवैल्यूएशन में कितना गया पैसा 300 का, क्योंकि एक्चुअल में लॉस हो रहा है 300 का। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो डेबिट कितने से करोगे 300 से, टोटल यह होता प्रोविजन में हमारे 800 चले गए। ठीक है, ये थी आपकी एंट्री रिगार्डिंग फर्स्ट। अब एक और एंट्री यहाँ पे गिवन है, इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसकी भी वर्किंग नोट्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट, कि जो प्रोविजन बनाना है, सेकेंड एडजस्टमेंट है कि जो प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए वो एग्जिस्टिंग रेट पे ही दोबारा क्रिएट करना है। अब हमें यहाँ पे रेट का तो पता ही नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं रेट गिवन नहीं है, तो कैसे एग्जिस्टिंग रेट कैसे पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेट। तो इसका भी एक मेथड है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि हमारे रेट कैलकुलेट करना है आपको। अब यहाँ पे रेट ऑफ प्रोविजन फॉर फुल डेब्ट्स, ठीक है, रेट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये है, ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे डेटर्स कितने हैं, 16,000 है ना हमारे डेटर्स, तो हम इनको मान के चल रहे हैं ये 100% होंगे। ठीक है, हम ये मान चल रहे हैं कि ये 16,000 है, इसके लिए 100% है ये। तो अगर मैं 16,000 100% है, तो 800 के लिए क्या रेट ऑफ, क्योंकि हमारा प्रोविजन कितने का था 800 का, तो अब इस 800 के लिए ऐसा कौन सा रेट होगा जो यहाँ पे लगाया गया होगा जिससे हमारी जो अमाउंट आई है वो 800 आई है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है 16,000 के लिए इक्वेशन बनानी है, 100 है रेट, ठीक है, 16,000 की 100 रेट है, देन 1 के लिए है 100 अपॉन 16,000, उसके बाद 800 के लिए क्या रेट होगा 100 अपॉन 16,000 इंटू 800, करते थे ना आप मैथ्स में ऐसी इक्वेशन, वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे आ जाएगा 80 अपॉन 16, दैट इज 5%, ये आ गया हमारा एग्जिस्टिंग रेट। ठीक है, अब ये रेट कैलकुलेट किस पे करना है, 5% तो आ गया, तो हमारे डेटर्स थे 16,000 के, ठीक है, माइनस 1100 के क्या आए थे बैड डेट्स, तो उसको माइनस करने के बाद हमारा जो यहाँ पे अमाउंट आ रही थी वो कितनी आ रही थी 14,900। डेटर्स कितने के थे, डेटर्स थे हमारे ये, उसके बाद हमारे थे ये बैड डेट्स, उसको माइनस करने के बाद हमारे पास ये अमाउंट, इस पे क्या क्रिएट करना है आपको 5% प्रोविजन, जो कि प्रोविजन आया कितना है हमारा 745, कैलकुलेट कर लेना आप लोग इसको इंटू करने के बाद कितना आएगा 745। तो ये दूसरी एंट्री है। अब चलते हैं थोड़ा सा वर्किंग, अभी तो मैं सिर्फ आपको वर्किंग नोट्स ही बता रही थी, फेयर कर लेते तो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट एंट्री रिगार्डिंग बैड डेट्स। तो आपको फर्स्ट एंट्री क्या करनी है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, कितने के थे हमारे बैड डेट्स 1100 के, यहाँ पे आपको 1100 लिख लेना है। नरेशन आप लोग 11th में अच्छे से कर चुके हैं। दूसरी एंट्री मैंने आपको बताई थी, एक तो क्या था हमारा प्रोविजन फॉर फुल डेब्ट्स काउंट, उसके बाद रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या लिखेंगे आप बैड डेब्ट्स, ठीक है।
तो हमारा जो रिवैल्यूएशन में अमाउंट गई थी वो कितनी गई थी, 300, प्रोविजन हमने 800 क्रिएट किया था। मैं वही एंट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ जो हमने वर्किंग नोट्स में करी थी, ठीक है। नरेशन आती है कि ये आप, उसके बाद हमारी थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, नरेशन क्या होगी, बीइंग ट्रांसफर बैलेंस बैड डेट्स इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीइंग बैड डेट्स ऑन डेटर, ठीक है। अब थर्ड एंट्री जो मैंने अभी आपको बताई कि जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो कितना करना है, तो मैंने आपको, हम पहले से जानते हैं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन जब वो क्रिएट होंगे तो फर्म को लॉस होगा अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रोविजन फॉर लाइव, यहाँ पे क्या था, मैंने वर्किंग नोट्स में आपको बताया था कि जो प्रोविजन ये क्रिएट हुआ है 745 का, ये एक तरह की लायबिलिटी है, और अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमें उसे क्या करना होता है, डेबिट करना होता है इन रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपको यही करनी है एंट्री यहाँ पे, क्योंकि हम डेबिट कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देना है आपको, डेबिट टू क्या टर्म थी ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने आई थी अमाउंट, 745, एंड यहाँ पे भी 745, ठीक है। उसके बाद चलते क्या नरेशन होगी, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, उसके बाद चलते हैं एंड पोस्टेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन का मीनिंग ये होता है कि आप उसको कैसे लिख रहे हो। फोर्थ एडजस्टमेंट पे चलते हैं, फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी किस चीज से रिलेटेड है, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक भी रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन मीन्स कम करनी है स्टॉक की वैल्यू, मीन्स हमें लॉस हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो रहा है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1055 है यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर, तो मैं वही वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ एंट्री है, यहाँ पे आ जाएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप, अप मीन्स ऊपर, 11,000 अप करना है, ऊपर ले जाना है उसको, ये भी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्योंकि इंक्रीज हो रही है एसेट, ये तो डिक्रीज हो रही थी, ये इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को लैंड एंड बिल्डिंग को कर देना है डेबिट, और रिवैल्यूएशन को क्या कर देना है, क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 11,000, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है, मीन्स कम हो रही है वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देना है, रिवैल्यूएशन को आपको करना है अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट है इसकी, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू, कहाँ तक कम करनी है हमें, 34,000, ठीक है। रिड्यूस टू, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिड्यूस टू, अब पहली चीज तो ये है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है यहाँ पे 35,000, रिड्यूस टू मीन्स रिड्यूस करके कौन सी वैल्यू तक लेके जानी है, 34,000, मीन्स 35,000 से 34,000 तक लेके आना है, तो कितनी वैल्यू में कमी आई, ये वैल्यू हो जाएगी आपको। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये टर्म्स को भी ध्यान में रखना है कि क्या वर्ड बाय है, टू है, इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बाय है, अप हुआ है, रिड्यूस टू लेके जानी है, कम हुई है, तो 1,000 आपको वैल्यू चेक कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है।
देन अमाउंट ऑफ 700 इंक्लूडेड इन सन्डरी क्रेडिटर रिटर्न बैक एंड नो लॉन्गर टू पेबल्स। सन्डरी क्रेडिटर्स में एक 700 की अमाउंट थी जो अब हमें पे नहीं करनी, मीन्स प्रॉफिट हो गया हमें। प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है आपको, सन्डरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट से, 700 से। अब अगली एंट्री लेके चलते हैं। अगली एंट्री क्या है हमारी, अगली एंट्री है हमारी ये प्रोविजन ऑफ 600 मेड फॉर रिपेयर। अब रिपेयर के लिए प्रोविजन बनाना है, मीन्स लॉस ही हमारे लिए, ठीक है। तो इसकी भी एंट्री आप ऐसी करोगे, क्या एंट्री करोगे आप, प्रोविजन फॉर, तो रिवैल्यूएशन को करोगे आप, क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, क्या था हमारा, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। कितना है रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर 600 अमाउंट दी हुई है। तो आप लोगों के प्रॉपर फॉर्मेट में करना है जर्नल के, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड। एक पुराना कंप्यूटर था जो हमने एज ए स्क्रैप मान लिया था, अब उसे सेल किया है, या फिर बोल सकते हैं पुराना कंप्यूटर था, रिटर्न ऑफ, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड, उसको सोल्ड किया गया है 2000 एज ए स्क्रैप। तो 2000 तो मिल रहे हैं ना, प्रॉफिट है हमारे लिए। एंट्री क्या हो जाएगी आपको, कंप्यूटर को करना है डेबिट टू, कंप्यूटर को क्या करना है आपको, डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रिवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2000 का, ठीक है। अगली एंट्री पे चलते हैं। फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉई एंड इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक एम्प्लॉई है फर्म का, वो एक्सीडेंट से इंजर्ड हो गया, दुर्घटना हो गई है, तो उसको 5000 पे करने हैं, तो ये भी लॉस होगा। तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश, सॉरी, रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस है हमारे लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना पे किया गया उसे, 5000 उसे कितना पे किया गया? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था डेबिट साइड आपके लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड क्या आते हैं आपके इनकम्स, ठीक है। इनकम्स या बोल सकते हैं एसेट से रिलेटेड जो टर्म्स हमें गेन कर रही हैं वो आप क्रेडिट साइड लेनी है। तो जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, मैं एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट थी हमें 300 का, जो क्या था हमें, फर्स्ट थी हमारी 300 की अमाउंट, तो हमने डेबिट किया था अपनी एंट्री में। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, बैड डेब्ट्स को लोगे आप और यहाँ पे उसको 300 शो कर दोगे, ठीक है, ऐसे फर्स्ट एंट्री को, क्योंकि हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री करी हुई थी, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमने मेंटेन किया था एग्जिस्टिंग रेट पे, ठीक है। हमने क्या क्रिएट किया था, प्रोविजन क्रिएट किया था, कितना क्रिएट किया था, 745 का, तो वो ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर फुल डेब्ट्स कितना आया था हमारा, 745, ये दो हो गई। उसके बाद था हमारा स्टॉक, स्टॉक 1055 से क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, ठीक है। कितने से डिक्रीज हुआ था, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे ले लेनी है, 1055, ठीक है। उसके बाद था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप 12000, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट था, तो लेना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट विद 11000 से, ठीक है। उसके बाद थे हमारे प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस, प्लांट एंड मशीनरी कम हुई थी,
तो यहाँ पे लिखना है आपको प्लांट एंड मशीनरी 1000 कम हुई थी ना वैल्यू इसकी, तो यहाँ पे मैंने 1000 ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री है 700। अब हमें नहीं पे करने थे तो प्रॉफिट था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने थे हमारे 700 के, तो वो 700 लिख दो। अगली एंट्री थी हमारी प्रोविजन रिपेयर, क्रिएट करना था यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर, क्योंकि कर चुके हैं हम एंट्रीज तो याद है मुझे, 600 का आया था हमारा प्रोविजन। उसके बाद एक ओल्ड कंप्यूटर था जो कि क्या किया गया था, सेल किया गया था। ठीक है, तो हाँ उसको हमने क्या किया था, सेल किया था, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैश एज ए स्क्रैप किया था, तो हम मैं कैश ही लिख रही हूँ। यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 2000। ठीक है, उसके बाद हमने एक एम्प्लॉई को पे किया था एज ए एक्सीडेंट, उसको हमने पे किया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट करी थी, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो आप, 5000 वो आ जाएगा। हम ऑलरेडी हमने सारी टर्म्स लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलरेडी 9 है इस क्वेश्चन के अंदर, सभी टर्म्स ले ली हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते हो, इस साइड का टोटल करना है, देन इस साइड का टोटल करना है, इस साइड के टोटल में से आपको ये साइड क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ मैं, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी शो करना है हमें, तो 11 देन 13000 700 आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 13700 आएगा, और इस साइड का टोटल करने के बाद मैं टोटल कर लेती हूँ रफली 5 10 56 6600, उसके बाद 1055 745, उसके बाद आया आपका 300। तो इस साइड का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा आपका, 8700। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपका, क्रेडिट साइड है हमारी 13700 एंड डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8700। तो इसका जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 5000। ये 5000 है, ये क्या है हमारे लिए, गेन। ठीक है, अब इस गेन को कौन से पार्टनर्स में डिवाइड करना है हमें, कौन से पार्टनर रह गए थे हमारे, नहीं अब ये तो सभी में डिवाइड करना है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो हमारे इस मैं यहाँ पे रेशियो था हमारा 5:3:2। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या बनेगा हमारा 2500, देन सेकंड का बनेगा हमारा 1500, देन थर्ड का बनेगा 1000। अब आपको एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, एस एबीसी थे ना हमारे पार्टनर, एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल, तो ए का कितना आया था 2500, बी का आया था 1500 और सी का आया था 1000। टोटल हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, इसको मत काउंट करना, ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, उसी के सामने आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप 13700। ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है विद एडजस्टमेंट। एक एंट्री मैंने नहीं करी थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाली एंट्री हमारी अभी हमने नहीं करी थी, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही एंट्री का पता लगेगा कि हमारी कैलकुलेशन कितना आया बैलेंस। ठीक है, तो ये वाली एंट्री आपको सबसे लास्ट में करनी होती है। तो गेन की एंट्री हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लास्ट एंट्री हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लेते हैं हम प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है टू ए
बी एंड सी। कैपिटल कैपिटल अकाउंट सबके ऐसे ही ले लेने हैं आपको, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया हमारा, 5000 आया था ना, तो ये मैं बाद में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही हो पाती है, दैट्स व्हाई आई डू दिस एंट्री इन लास्ट। ओके, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।